नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप अफीम की खेती करते हैं और अफीम की खेती की हार्वेस्टिंग होने के बाद, यानी कि इसका पोस्ता दाना निकालने के बाद, इस तरीके से आप देखते होंगे कि आपके खेत के अंदर तना खड़ा रहता है अफीम का पौधे का, या इसे हम मालवी भाषा में बोले तो इसको हम खापा भी बोलते हैं, अफीम का खापा या अफीम के बोएं भी बोलते हैं। तो इस तरीके का आपने देखा होगा और आप खेती करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरीके से हमारे खेत में रहते हैं। तो किसान भाइयों, आप क्या करते होंगे कि इनको जला देते हैं, लेकिन किसान भाइयों, आपको मैं एक जानकारी बता देता हूँ कि यदि आप इन अफीम के बोए को जलाते हो तो उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अफीम के जो बोए होते हैं इनको जलाने से हमें कितना नुकसान होता है या कितना फ़ायदा होता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफीम का जो तना होता है या जो बोए होते हैं अफीम को, इन्हें हमें जलाने से कितना नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आप जानते हैं कि अफीम से कितनी ही तरह की दवाइयां बनती हैं और कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो अपने खेत में फसलों के काम में आती हैं, लेकिन हम इन अफीम के बोए को जला देते हैं तो इससे क्या होता है कि पहला नुकसान तो होता है कि हमारी ज़मीन के अंदर जो उर्वरा शक्ति होती हैं, जो किसान मित्र होते हैं, केचुआ या बहुत सारे कीट होते हैं, तो इन बोए को जलाने से क्या होगा, वो मर जाएंगे। ज़मीन की जो शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति, वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप इसको जलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इसको आप रोटावेटर की सहायता से अगर खेत के अंदर मिलाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अफीम से काफ़ी तरह की दवाइयां बनती हैं और इन्हीं दवाइयों में से कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो अपने अफीम के फसल में या फिर अलग तरह की कोई भी फसल होती हैं उनमें काम में आती हैं। लेकिन यदि आप इन अफीम के बोए को चूरा करके खेत के अंदर अगर आप मिलाते हो तो इससे क्या होगा कि अपने खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, इसके अलावा इन बोए की वजह से खेत के अंदर ये खाद का काम भी करेंगे और इन बोए के अंदर भी कुछ न कुछ मात्रा में दवाइयों का जो तत्व होता है वो भी इसके अंदर मौजूद रहता है, तो वो अपने खेत के अंदर की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में काफ़ी सहायता होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनको बिल्कुल भी नहीं जलाना है और इनका चूरा करके रोटावेटर की सहायता से आपको इनको चूरा करके खेत में मिला देना है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। किसान भाइयों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यदि आप अफीम की खेती काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं और यदि आप अफीम के इन बोए को जला देते हैं तो मेरे कहने पर आप एक बार इनके अंदर रोटावेटर को ज़रूर घुमाइएगा और उसी जगह पर अगर आप अगले वर्ष भी अफीम की खेती करते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में अफीम के बोए को अपनों ने मिट्टी के अंदर जो मिलाया है उससे कुछ हमें फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, तो इनके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं जो अपने खेत के अंदर खाद का काम करेंगे और अपने खेत की जो ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाएंगे। तो और इसके अंदर जो किसान मित्र केचुआ वगैरह होते हैं या और भी कीट वगैरह होते हैं जो किसानों के लिए काफ़ी सहायता होते हैं, तो वो भी नष्ट नहीं होगा। तो आपको जलाने से पहले इस चीज़ का एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा कि यदि आप उसी जगह पर दोबारा अफीम की खेती करते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी जलाने की कोशिश ना करें। रोटावेटर की सहायता से आप एक बार इनको मिला दीजिए, खेत के अंदर चूरा कर दीजिए, ताकि ये आपके खेत में खाद का भी काम करेंगे और आपके बहुत सारे चीज़ें जो हैं पोषक तत्व वगैरह इनको मिट्टी के द्वारा भी मिल जाएंगी और आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकलेगा। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार आप मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन सारी चीज़ों को खेत के अंदर ज़रूर मिला दीजिएगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगले वर्ष इसका उत्पादन जो होता है कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है
अपनी जलेगी नहीं तो उर्वरा शक्ति बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगी और अपने लिए खेत के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अफीम में कितने ही सारी दवाइयां बनती हैं, तो अपने लिए ये इनको जलाने से हम कितना नुकसान अपने ही पैर पर कुड़ाली मारने जैसा हम काम करते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा इस वीडियो में जो जानकारी बताई गई है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।